नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर और आज 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में दूसरी बार पैट की परीक्षा कराई जा रही है। इससे पहले 2021 में यह परीक्षा कराई गई थी, उस समय लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, लेकिन 2022 के लिए पैट की परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 37 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिसमें से अकेले आगरा में 83 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें दो दिनों में यानी कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को लगभग 1,53,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। आज 15 अक्टूबर को पहली शिफ्ट की समाप्त हो गई है। काफ़ी अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देने के लिए दूर दराज से आए हुए हैं और जब ये एग्जाम सेंटर घोषित किए गए थे तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों का यही समस्या रही थी कि एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर बनाए गए हैं। 2021 में इतनी समस्या नहीं आई थी एग्जाम सेंटर को लेकर, लेकिन इस बार काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 370 अतिरिक्त रोडवेज बसें भी चलाई गई हैं और ट्रेनों में भी लगभग छूट दी गई है, अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होना है और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ एग्जाम दे चुके हैं। तो एग्जाम से रिलेटेड क्या समस्याएँ अभी तक यहाँ इन्हें रही हैं, कैसा एग्जाम आया है 2021 की अपेक्षा में, सारी बातें इन अभ्यर्थियों से करने वाले हैं। और साथ ही बताना चाहूँगा कि पैट की परीक्षा UP SSC के द्वारा जो ग्रुप सी की वैकेंसी निकलती है उसके लिए इस परीक्षा में पास होना विशेष जरूरी है। तो बात करते हैं, कहाँ से आए हो भैया आप? मैं सर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से किस जिले से? भरतपुर जिले से। तो आपका तो नज़दीक है एग्जाम सेंटर, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप तो आज ही निकले होंगे लगभग? हाँ, आज ही निकला हूँ। 2021 में भी दिया था एग्जाम? नहीं नहीं नहीं, उसमें रह गया था, पहली बार दिया है। तो ये तो नज़दीक से आए हुए हैं, लेकिन जो दूर दराज से आए हैं हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हो भैया? कानपुर से। कानपुर से लगभग कितनी दूर है एग्जाम सेंटर आपके घर से? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। कब निकले थे घर से? कल निकले थे सुबह। कल तो देखिए लगभग 300 किलोमीटर दूर से यहाँ पर ये कानपुर से आगरा एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। तो स्वाभाविक है 300 किलोमीटर दूर जब इन्हें एग्जाम देने के लिए आना है तो लगभग एक दिन पहले ही घर से निकलना होगा। किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? हालांकि ये एग्जाम सेंटर शहर से काफ़ी आउट है, तो इसे खोजने में कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? सुबह से लगे पड़े हैं कहाँ पर, कोई बता नहीं रहा, कोई कहता इधर जाओ उधर जाओ, यानी काफी दिक्कतों का सामना। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम? जी सेकंड शिफ्ट में। आपका कब था भैया? आज ही है, सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में आप कहाँ से आए हो? कानपुर से आए हैं। आप भी कानपुर से? तो इस एग्जाम सेंटर को लोकेशन को ढूंढने में कितनी समस्याओं का सामना करना से निकले हुए? मॉर्निंग से निकला हुआ हूँ, अभी तक अब आप आया हूँ, बहुत मतलब ढूंढने में बहुत समस्याएं पैदा हो रही है। पिछली बार डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डाल दिया था, इस बार दूर दूर भेज दिया गया है। इस बार 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पहुँचना चाहिए ना, कि सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? वही कि जो स्टूडेंट पास के पास में रहे वहाँ ज़्यादा बेटर तरीका, अच्छे से पेपर दे पा रहे, परेशान होकर पेपर देंगे क्या पेपर में कर पाएंगे? कितने दूर डाल दिया है ये? बिल्कुल लोकेशन तो आउट है, आउट ऑफ लोकेशन है इस बार एग्जाम। कानपुर से सर। कानपुर से क्या अनुरोध करना चाहोगे सरकार से? सर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए एग्जाम, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो देखिए लगभग तीनों अभ्यर्थी कानपुर से आए हुए हैं, इनका कहना यह है कि 2021 में जो सेंटर बनाए गए थे वो काफ़ी सटीक और ठीक बनाए गए थे, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है, हम तो यही समझेंगे। और अभ्यर्थियों ने भी इसका विरोध किया था जब सेंटर बने थे, लगभग 300 से 400 से 500 किलोमीटर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, वो भी सिर्फ पैट जैसी परीक्षा में जिसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। सिर्फ ये परीक्षा UP SSC में ग्रुप सी की वैकेंसी आएंगी उसके लिए सिर्फ इसमें पास होना है, इस परीक्षा में शामिल होना जरूरी है, बाकी नंबर क्या होते हैं, परसेंटाइल स्कोर क्या होता है वो बाद की बात है। समस्याएं तो काफ़ी आ रही हैं। आप कहाँ से आए भैया? कानपुर से। तो ये सेंटर को ढूंढने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? अरे समस्या तो ना पूछो, क्या ना, मैं कहाँ कहाँ पूछा, कहाँ कहाँ गए हैं, इतनी समस्याएं मिली हैं, ये समझ लीजिए अभी आ पाए हैं, कल रात के जगे और यहाँ पर सो भी नहीं पाए अभी, अब फिर पेपर देना, अभी कैसे क्या देंगे, क्या इतनी करोगे सरकार से, क्या अनुरोध करना चाहोगे? सेंटर पास ही में रहे ज़्यादा सही, अपने मतलब पास ही क्षेत्र में तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बड़ी परेशानी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिस्टर का कहना, मैं अब लड़कियों का कहना, सेंटर इतनी दूर कर दिया, उनको इतनी दिक्कतें हुई हैं, तो ये दिक्कतें काफ़ी हुई, कहना बहुत लोग की तो तबीयत खराब हो चुकी है। बिल्कुल,
देखिए साथी, इनका कहना यह है कि मेल कैंडिडेट का एग्जाम सेंटर दूर है, ठीक है, लेकिन मेल कैंडिडेट के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट का भी एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर बनाया गया है, तो इसकी वजह से फीमेल कैंडिडेट को भी काफ़ी परिस्थितियों का यहाँ सामना करना पड़ा है। इनकी सिस्टर का है, इनके साथ आए, स्वाभाविक है फीमेल कैंडिडेट के साथ अभिभावकों को ही आना पड़ता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आगरा में लगभग 83 सेंटर बनाए गए हैं जिनकी लोकेशन शहर से काफ़ी बाहर है, लगभग आगरा शहर से 30-35 किलोमीटर आउट ऑफ लोकेशन है, जहाँ पर अभ्यर्थियों को पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोकल जो ऑटो वाले हैं उन्हें एड्रेस नहीं पता है। तो जिस सेंटर पर हम मौजूद हैं ये शहर से लगभग 20 किलोमीटर आउट में है। आप कहाँ से आए भैया? कानपुर से। लगभग कानपुर से यहाँ इस एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थी ज़्यादा आए हुए हैं। जो है गाड़ी का ट्रेन से समस्या हुई है कि 3-3 ट्रेनें निकल गई हैं, इतनी भीड़ होती रही है कि आने में बहुत समस्या हुई है, 2-3 जगह तो हमको ट्रेनें बदलने पड़ी तब यहाँ पर आ पाए हम। यानी कि कानपुर से आगरा आने के लिए सिर्फ 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगभग 3 ट्रेन आपने चेंज की? 3 ट्रेन। यानी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है ट्रेनों? ज़्यादा भीड़ है, 2-2, 3-3 ट्रेन। स्टेशन पर तो इतनी भीड़ थी कि लोग खिड़कियों में लटक लटक के गए, गिर गए, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, लगभग 4-5 हज़ार लड़के थे, फिर इधर उधर प्राइवेट साधनों से हम लोग उधर ट्रक रख से आए। जैसे कहाँ से आप, कहाँ से आए हो? झिझक कानपुर देहात से आए। अच्छा, तो आपके बेटी वगैरह का ये एग्जाम हो गया? नहीं, खुद का है। अच्छा, आपका? हाँ, भी है। कितनी एज हो गई आपकी? हमारी 38। 38, यानी ट्राई कर रहे हैं अभी? जी। यानी कि हर हाल में नौकरी लेके ही मानोगे? आप प्रयास कर रहे हैं सर, पढ़ाई करिए किए हैं तो उसका प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। और यहाँ और भी कैंडिडेट है, आप कहाँ से आए भैया? फरुखाबाद। कितनी दूर है एग्जाम सेंटर आपके घर से? इधर आओ, नजदीक आओ थोड़ा। 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। तो कब निकले थे घर से? हम तो कल निकले थे। तो यहाँ पहुँचने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जिस समय अभी यहाँ खड़े हो आप एग्जाम सेंटर पर? समस्या क्या, मतलब वही बात है ना कि एक दिन पहले आओ और रुकने की व्यवस्था उसके लिए अलग से, मतलब तो वो अब जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है उसे तो और करना पड़ेगा सब, यही दिक्कत है। क्या करना चाहोगे सरकार से? बस यही करना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसी व्यवस्था करें जिससे अभ्यर्थी को तकलीफ ज़्यादा ना हो। देखिए एग्जाम सेंटर ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए सेंटर जो मतलब क्या है एक ही दिन में अप डाउन कर सके लोग, जैसे नहीं 2-3 दिन पहले से जाके बैठो फिर वो अपने कहीं बाहर रुकते हैं, सही व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की दिक्कत होती है, तो वो सब व्यवस्थाएं दूर करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल। इनका कहना ये है कि लगभग एग्जाम सेंटर अकॉर्डिंग ऐसे बनाए जाएं कि लगभग कैंडिडेट एक दिन में आराम से, यानी उसी दिन सेम डे एग्जाम सेंटर पर पहुंच सकें लगभग। तो इनका कहने का मतलब यह लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में अगर एग्जाम सेंटर रहता है तो सेम डे पहुंच सकते हैं, चाहे एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में। लेकिन जब 300-400 किलोमीटर एग्जाम सेंटर दूर बनाए जा रहे हैं तो स्वाभाविक है उसके लिए एक दिन पहले निकलना होता है, और एक दिन पहले आके एग्जाम सेंटर पर कुछ जगह ऐसे होते हैं वहाँ रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रात भी गुजारनी होती है, उसके बाद जब एग्जाम में शामिल होते हैं तो क्या कोई अच्छा स्कोर कर पाएगा, ये भी काफ़ी फैक्ट होता है। लगभग 10-12 क्वेश्चन तो इसी से रॉन्ग हो जाते हैं, मेंटली प्रेशर रहता है, रात में सो नहीं पाते, ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या एग्जाम के दौरान आती हैं। और भी कैंडिडेट हैं, कहाँ से आए भैया? फतेहपुर से। फतेहपुर से। कितनी दूर है एग्जाम सेंटर आपके घर से? 300 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। तो यहाँ तक पहुँचने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? सारी समस्याओं का, शुरू से ही समस्याओं का सामना करना पड़ा, खड़े खड़े ट्रेनों में यहाँ इतनी भीड़ थी। क्या अनुरोध करना चाहोगे सरकार से? यही करना चाहेंगे कि नज़दीक रखे सेंटर जो भी हो। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम आपका है ना? नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में था। हो गया एग्जाम? एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा रहा। अगर आपका नज़दीक अभी कितने क्वेश्चन किए आपने? अरे 70+। 70+। अगर आपका ये एग्जाम सेंटर आपके नज़दीक होता तो थोड़ा बेनिफिट मिलता, बेहतर कर पाते? जी, ऑफ कोर्स मिलता। रात में सोए नहीं होंगे, नींद ली थी? बिल्कुल नहीं सो पाए। तो नहीं पाए। अच्छा, रात में नहीं सोते हैं, जैसे कि रात में सो नहीं पाते हैं, उसके बाद एग्जाम में शामिल होते हैं, और भी एग्जाम दिए होंगे आपने, सेम डे आप एग्जाम में शामिल होते हैं, तो कितना डिफरेंस रहता है? अरे काफ़ी डिफरेंस रहता है। काफ़ी डिफरेंस आता है? क्या कह रहे हो? महसूस हो रहा है, मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है उसमें, जो है जो सवाल को जो मतलब हमको क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं वो भी जो है आंसर नहीं आते हैं उस वक्त दिमाग पे, क्योंकि हम रात भर के जगे होते हैं, डिप्रेशन बना रहता है, खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है, खाना पीना कुछ नहीं, यहाँ समय से आना ही बड़ा मुश्किल है, खाने पीने की तो बात छोड़ दो। बिल्कुल। तो देखिए काफ़ी लगभग जितने अभ्यर्थियों से हमने बात की सभी अभ्यर्थियों की वही सेम समस्या है कि एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें एग्जाम सेंटर पर पहुँचने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, रात में एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पर आना होता है, क्योंकि ये तो क्या है इनका तो नियम है, अगर जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, जो गेट क्लोज का टाइम है, अगर उससे 1 या 2 मिनट अभ्यर्थी कोई लेट हो जाता है, भले ही 500 किलोमीटर दूर से आए, उसके लिए कोई भी राहत नहीं होती है, ना एंट्री मिलती है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी चाहता है कि लगभग एग्जाम सेंटर में हम एक दिन पहले पहुँच जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है,
समय से वैकेंसी निकलती नहीं है। अगर कोई गलती से निकल भी आए वैकेंसी तो 2-3 साल में वो क्लियर नहीं हो पाती है और बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। अभ्यर्थी लगभग सभी चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, उसके बावजूद काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल बस हम भी ये अनुरोध करना चाहेंगे आगामी समय में जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो भी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जाएँ तो नज़दीक एग्जाम सेंटर बनाए जाएँ जिससे कि अभ्यर्थी सेम डे एग्जाम सेंटर में शामिल हो सकें। अपने घर से आराम से नहा धोकर खाना खा पी कर एकदम माइंड फ्रेश करके अगर एग्जाम में शामिल होंगे तो एग्जाम उनका सही जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम 15 अक्टूबर को पीईटी का समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का अभी एंट्री प्रारंभ होगी कुछ समय बाद। सेकंड शिफ्ट की भी हम यहाँ लोकेशन दिखाएंगे और कल भी आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी शैलेश गौतम जी के साथ मैं ज्ञानु चौधरी, इंडिया न्यूज 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।